बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायल अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुजफ्फराबाद में ख़िताब करते हुए कहा कि मोदी जितना चाहे जुल्म कर ले, कश्मीरी आवाम को शिकस्त नहीं दे सकता। जबकि कौमी असम्बली में आज बहस का मरकज आर्टिकल 149 और प्रोडक्शन ऑर्डर्स रहा। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा कर लिया। इस समय और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज पंजाब हुकूमत में दो बड़ी तब्दीलियां देखने में नजर आई, शहबाज गिल साहब और ओन चौधरी साहब के हवाले से। क्या मजीद तब्दीलियां होती नजर आ रही हैं आपको आने वाले दिनों में? जबरदस्त हो गए दोनों, और ये क्या कहना चाहिए इसको, ऑपरेशन जबरदस्त सीजन टू कहते हैं इसको, या मतलब वक्त और रफ्तार की कैद से आज़ाद एक ऑपरेशन चल रहा है, वो अपने उसको दरमियान में पॉज। देखिए, होता ये है, बहुत सारे जो नाज़रीन या साथी होते हैं ना, वो कि जी आप, मेरा काम लोगों को खुश करना नहीं है, किसी को भी, मेरा काम है जो हो रही है बात, जो वाक्या हो रहा है, किसी को पसंद आए या किसी को पसंद ना आए, आपका मेरा काम है खबर देना। कई मराहिल पर कई लोग नाराज़ हो जाते हैं, अच्छा जी ओहो आपने ये बात कर दी, नाराज हो जाएं, माता इससे को मेरी चीज पे कैसा हो जाएं, खबर लेनी है तो खबर है, जहां तजिया होगा वहां मैं कहूंगा ये तजिया ही मेरी जाती राय है जी, ठीक है, लेकिन अगर खबर है तो खबर है। तो -3 तो मैंने कर दिया ना, ये नहीं किया ऐसे ही है। ये -3 जो अब ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, जो मैं खुद जबरदस्त हो गया बीच में, ये अलग बात है, मगर आप ये देखें कि -3 तो ये एक वक्त में, और एक वक्त में ऐसा भी हुआ कि जब मैंने वो कंटेनर पे जाके धरने के दौरान वो खबर दी, वो खबर दी तो मैं अकेला था, वो 3 को मैं जबरदस्त कर रहा था -3, और पीछे पलट के देखा तो कोई भी नहीं था, डॉक्टर शाहिद मसूद एक मक्खी है मतलब, और एक साल तक मुझे मतलब मैं समझ ही नहीं आया कि यार हुआ क्या है। अच्छा मैं लगा वो मैं अच्छा, लेकिन उसका क्या कि मैं आके कहता कि नहीं वो मेरी खबर जो है वो सही है गलत फलाना लोग ना। और ये वो दिन थे जब मैं कभी उन दिनों का मैंने तस्करा नहीं किया जी, ठीक है ना, लेकिन बात यह है कि एक अजब सा दौर तो रहा है ना, कि जिसमें आप ने महाज खोले हुए अचानक और पीछे पलट के देखते हैं तो पता चलता है कि सब गायब। अच्छा, और उसके बाद फिर जाहिर है कि मतलब है कि सलाम दुआ हुई, ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये है कि मैं उन लोगों में से एक हूँ, और मैं अपने आप को इसमें तन्हा नहीं समझता। मेरा ख्याल है कि मुझ जैसे शायद लाखों या करोड़ों लोग होंगे जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, शख्सियात से नहीं, उनकी वफादारियाँ, उनकी उनका साथ अपने मुल्क अपनी रियासत से होता है, और इसीलिए मैं रियासत की बात करता हूँ जी, पसंद किसी को आए या किसी को ना आए। और ये जो शख्सियत परस्ती होती है ना, कि अब बुतों के आगे गिर जाएं, जो मैंने उस दिन बात की ना कि सूरज चांद सितारा और बेजान सैारे बन के आप घूम रहे हैं, इसी के गिर्द इसी के गिर्द इसी के गिर्द, फिर उसके बाद वो चला गया तो उसके बच्चे के गिर्द, फिर उसके बच्चे के गिर्द, फिर वो चला गया तो उसके बच्चे के गिर्द। जमहूरियत तो खत्म हो गई है ना, जमहूरियत नाम की कोई चीज वजूद नहीं रखती, ठीक है, एक पार्टी के अंदर जो है वो बिल्कुल ये था कि यानी अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है माशाल्लाह, क्या बयान है उनका, अब उसको तोड़ के मरोड़ के ये था वो था, जितनी मर्जी आप उसकी बिलावल साहब कर दें, तमाम इंडियन मीडिया उस पर खेल रहा है, और माजी में भी ऐसा हो चुका है, खैर जाए ना, अभी अदी फरियाल तालपुर साहब और जरदारी साहब को जेल से छोड़ दें तो पाकिस्तान खप्पे हो जाएगा, एक मिनट में पाकिस्तान खप्पे होगा, पाकिस्तान खप्पे, फौरन पाकिस्तान खप्पे हो जाएगा। अभी आप मुकदमे खत्म कर दें करप्शन के, आप देखें क्या होता है। मामला यह है कि मुल्क को एक ऐसी जगह ले गए हैं ये सारे हमारे जितने अकाबरीन हैं हुकूमत समेत, इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने यानी अब उनकी पार्टी एक अजीब पार्टी है, हुकूमत पीटीआई अजीब और गरीब शक्ल उन्होंने दे दी है,
कि इमरान खान साहब अगर कहें ना किसी उचक्के को उठा के यहाँ बिठा दें तो सब गिर जाते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, कोई किसी को पूछने वाला भी नहीं है, मतलब अलीम खान को उठा के अंदर फेंक दिया, अलीम खान को कोई पूछ नहीं रहा, वो तो बाहर निकाल के रख दिया, फिर वो आ गया, मतलब आमिर कियानी को वहां पटक दिया, वो आ गया, चला गया, मतलब कोई मतलब जो अच्छा सारे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो रहा है सिलसिला, और इमरान खान साहब को इस बात का इदराक होना चाहिए कि उनको नुकसान हो रहा है उनकी सियासी जमात को, और नुकसान हो क्या रहा है, नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि मतलब कैप्टन ठीक होना चाहिए और फिर वो टीम सेलेक्ट खुद ही करता है, बस यहाँ पे बस एक जगह होती है ना जो लोग कहते हैं बस कर दें, बस दोबारा बस। अब मामला ये है कि यानी कश्मीर का मसला है और उसके ऊपर आप देखें कि ये पॉलिटिकल डिवाइड इस वक्त सियासी, और ये मैं आप बिल्कुल आपको आप मैं हमने भी जिंदगी गुजारी है इस मुल्क में, इससे कोई एक बटा 50 आप कहें कि मुल्क के हालात ऊपर नीचे होते थे तो टेक ओवर होता था जी। मेरे अजीज हम वतनों, पाकिस्तान का कौमी तराना, मेरे अजीज हम वतनों, सब अंदर पड़े हैं, ठीक है। तो बात यह है कि यानी सरहदों पे कशीदगी नहीं, जंग, प्रॉपर जंग, इंटरनल सिक्योरिटी मुल्क के अंदर फौज ने संभाली हुई है, पुलिस वाले, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, अस्पतालों में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, इनमें से कोई काम कर रहा है जाके ईवानों में, प्रॉपर चार्जशीट है, प्रॉपर चार्जशीट, कानून साजी बंद हो चुकी है, मईशत डूब रही है, कश्मीर जैसे मसले के ऊपर मुल्क तोड़ने की बातें, आप मतलब हर किस्म की लघवियात जो है, हर किस्म की, कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं है किसी। देखिए मैंने उस दिन क्या बात, मैं कई दिन से ही बात क्या कह रहा हूँ कि सिस्टम पीछे हट रहा है। अच्छा लोग, अच्छा क्यों, क्या, अच्छा या तो इसको सुने ना, अगर बात नहीं समझ सकते तो फिर गुफ्तगू ना सुने, कई बातें जो होती हैं तो इन बिटवीन द लाइन, कि सिस्टम पीछे हट रहा है, सपोर्ट मैकेनिज्म भी, साजिश कोई नहीं हो रही, ये निजाम खुद अपने ऊपर एक खुदकुश हमलावर बनता जा रहा है रोज बरोज। अब यानी अब ये देखें कि ज्वाइंट सेशन कल हुआ है, क्या उसमें अस्करी शख्सियात बैठी हैं, सफारतकार बैठी हैं, पूरी दुनिया देख रही तमाशा, कश्मीर के ऊपर बड़ी मुश्किलों के साथ, ठीक है, हम जा रहे हैं वहां पे। अच्छा, और वहां पर अब देखें, एक तो वजीर आजम साहब की आज जो तकरीर थी, अच्छा अब वो जब ये इश्यूज आते हैं ना तो यहां पर इमरान खान साहब से बेहतर आपको कोई शख्सियत नजर नहीं आती, वो आपको रियल इमरान खान नजर आते हैं दोबारा। आज जो उन्होंने मोदी की तबीयत साफ की है, और आप देखें कि वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब, यानी उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, और उन्होंने कितनी सुलझी गुफ्तगू की, उनकी जगह ये जब तक सूरज चांद रहेगा इसको ले जाते वहां पे, जो भी मौसूफ मस्कत चले गए, मस्कत से सऊदी अरब जाएंगे, सऊदी अरब से पता नहीं किधर जाएंगे, जो अच्छा जिन्होंने उनका एक नया वजीर आ गया उसकी उन्होंने दो को तो जबरदस्त किया, हो गए वो खुद, उनके भी किस्सा आपको बताता हूँ, और जो एक और आए हैं मौसूफ उनकी हलफ बर्दारी में भी शरीक नहीं हुए, जहाज में बैठ के गायब हो गए, लोग पूछेंगे क्या हुआ, दुआ करने तो, ये खुद दुआ करने गए, इनकी अपनी सीट जा रही है, ये खुद इन्होंने हटना है उस्मान बुज़दार साहब ने। अच्छा अब बारा सुने आप, अब मामला क्या है कि यहां तक तो इमरान खान, अब देखिए इमरान खान वो रियल इमरान खान थे आज जो उन्होंने बात की वहां पे जी, और अमेरिका में मेरा ख्याल है और मेरा मशवरा है और मेरी कुछ अंदाजा भी है कि इमरान खान साहब कल कराची नहीं जा रहे जी, और ये अभी ये तक की इत्तला ये है कि कराची नहीं जा रहे, ठीक है ना, और बड़ा अच्छा, और ये शोशा जो छोड़ा गया था 149 वाला, ये किसने छोड़ा था, ये अफलातून, अरस्तू, बुकरात, शेक्सपियर, फरोग नसीम, ये सारी जो शख्सियात, इनमें से किसने ही शोशा छोड़ा था इस वक्त पे, और उसके बाद अब रिएक्शन देखें, ये जब ऑपरेशन हुआ ना एमक्यूएम के अगेंस्ट जी, तो उस वक्त जनाब पीपल्स पार्टी की क्यादत आ गई, अच्छा उनके जब उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था एमक्यूएम के खिलाफ, तो उस वक्त तक ये गोलगप्पे खा रहे थे सिंध हुकूमत बैठ के, अच्छा जरा से इधर हुआ तो फौरी तौर पे वो राजा दाहिर सिंधु कार्ड या इधर से, तो आपके रियासती इदारों ने कहा कि इनको अभी साइड पे रखें, और जरदारी साहब की सियासत भी थी उसमें, जाहिर है रियासी जरदारी साहब ने इंटेलिजेंट सियासत प्ले की, उन्होंने रुख मोड़ दिया नवाज शरीफ साहब, पहले होता था ना कि वो, मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि जब
कोई ऑपरेशन शुरू होने लगता था पीपल्स पार्टी के ऊपर, तो उधर से रहमान मलिक साहब जाते थे, जो है ना बानी एम के कुछ कुछ अभी बढ़ते थे, क्या बढ़ते वो शुरू होते थे, फिर उनको कुटाई, फिर उनके कुटाई, कुटते 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 बानी एम के टोटल दबोड़, टोटल उसके बाद उनको अच्छा पीपल्स पार्टी पर उन्होंने देखा हमारा नंबर आ गया, उन्होंने ये पंजाब की तरफ धारा बढ़ दी, ये है तो, अच्छा उन्होंने यासिर दरार में कहा सिंध का ड्यूज ना करे, पहले इधर आके दबड़दूस कर दो पंजाब में, टुक टुक कर होते 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 वो दिन है, आज का दिन है मरियम नवाज साहिबा तो शायद हकान अब्बासी साहब तो भाई हमारे बाकी साहब होते जाओ टुक 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 मतलब अच्छा अब जरा सा उधर होता है सिंध की तरफ, मतलब सिंध तो यूटोपिया है ना, सिंध में तो ऐसी ओहो वहां तो मतलब ऐसे ऐसा खूबसूरत मनाजिर है ना सिंध के, देखिए ना पूरे सिंध के कराची समेत, वहां से तो मतलब वो कहते हैं ना वो शहद की नहरें, मतलब वो तो बिल्कुल अलिफ लैला और लैला बगदाद के, मतलब हारून रशीद के दौर का बगदाद, आप जाएं सिंध में आपको हरियाली नजर आएगी, लोग आपको रक्स करते नजर आएंगे खुशी से, मतलब वहां पर मतलब सब सब लोग मर गए सवाय एक शख्सियत के, ठीक है अच्छा। अब मसला ये कि जहां उधर का रुख इख्तियार करें तो फौरन अजीब सराकिस्तान बनेगा, फलां बनेगा, ये बनेगा, ये यानी ये अल्फाज कहां से बिलावल साहब के जहन में कहां से आ जाते हैं अल्फाज। अच्छा इधर हुकूमत ने भी कमी नहीं छोड़ी, ये अफलातून तो हमारे इधर भी बैठे हुए ना कि जी वो तो सिंध के अंदर क्या करेंगे, कचरे को हम काफ करेंगे, पैसा के पैसे का खेल है सारा, फंड खाने दोबारा, फंड खाने दोबारा, यानी इतना फंड दें तो उसके नतीजे कहते हैं अरे भाई पैसों का चक्कर है, कभी आप उनके साथ हो जाते हैं, कभी आप उनके इस यानी भाई आप उनके साथ आपको कुछ अजीब और गरीब किस्म में तो आप यकीन करें समझ से बाहर है, मतलब इस वक्त पीटीआई एमक्यूएम के साथ मिली हुई है, पहले एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ थी, कभी इसके इसके ऊपर कौन किधर है क्या है किसी को समझ कुछ नहीं आता। अच्छा अब जनाब वो रुक गया बड़ी मुश्किल से, हटो बचो बचो करके फरोग नसीम साहब ने अपने आप को वापस किया कि मैं तो कुछ और कह रहा था भाई मैं, लेकिन जो कह जो होना था वो हो गया। एक जब आते जवान था, आते जवान तो खैर अभी भी है, नौजवान था, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अच्छा बात सुने, उस जमाने में एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े मरकजी रहनुमा जो भुट्टो साहब के बड़े करीब थे, वो जनाब चले गए, वो लंदन में थे और लंदन में बैठ के उन्होंने बयान ये दिया कि मैं पाकिस्तान आऊंगा इंडियन टैंकों पे बैठ के। अब सर बयान की नौ ये देखें आप, इंडियन टैंकों पे बैठ के मुल्क में आऊंगा। अच्छा जी हमने कहा ये तो किया बंदा, इसको तो आर्टिकल 6 के तहत को तो फांसी वांसी कुट वुट मार के इसको तो पिंक। क्या देखा कुछ अरसे के बाद कि वो मौसू पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आने के बाद वफाकी वजीर बने पीपल्स पार्टी के, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून में गए, फिर मुस्लिम लीग नून के कोई वजीर वजीर बने पता नहीं क्या बने, फिर उसके बाद वो तहरीक इंसाफ में। सही अजीब ये तमाशा किसी जगह किसी दुनिया में नहीं होता, यानी ये इसी मुल्क में होता है। तो मामला ये है कि जहां ये ले अच्छा इन्होंने माशाल्लाह टेक्नोक्रेटिक सेटअप वेटअप को भी फारिग कर दिया सारा, वो भी अब लोग क्या हफीज शेख इशरत हुसैन साहब तो सब सब भी जबरदस्त हो गए एक साथ नहीं होता पूरा का पूरा। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि ये इनको क्यों अकल नहीं आ रही कि जब यानी वो एक होता ना अब इमरान खान साहब ने अब जान छुड़ाई, अल्लाह करे इसे जान छुड़ा के निकले। अब आप देखें ये जो एक तो कल कराची का दौरा गालिबन कैंसल, उधर जो न्यूयॉर्क में जलसा वो होना था बड़ा जलसा वलसे का जो आइडिया था वो भी कैंसिल, लेकिन भरपूर एहतजाज होने जा रहा है मोदी के खिलाफ। अच्छा कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें पूरी कौम इकट्ठी है, ये बीच में आके पता नहीं कहां से रौला डाल देते हैं अपना, यानी पूरी कौम इकट्ठी। और कश्मीर जो है कश्मीर पूरे पाकिस्तान का तो कहते हैं ना हर किसी का एक खास होता है सब्जेक्ट है जी, इसमें सबसे बड़ी अगर किसी ने रैली की है तो वो जमात इस्लामी ने की है कराची में, सिराजुल हक साहब ने सबसे बड़ी रैली हुई है उनकी सबसे कम कवरेज और सिराजुल हक साहब इनके साथी रहे। अच्छा लेकिन अब मामला यह है कि सियासी जमातों को बिठाए कौन, आपस में इनसे कौन कहे कि आप बैठे,
زرداری صاحب کو اے سی مل گیا, فریاد تالپور صاحبہ کے ان کو بھی اے سی مل گیا. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ایسی بات آپ کیوں ایسی جگہ پر لے گئے ہیں. جو میں نے بات پہلے کی تھی کہ جی جب اے پی ایس ہوا فوج نے بٹھا دیا, لا کے سب کو فوج آئی نا, فوج نے آ کے بٹھا دیا, دھرنا ختم ہوا, فوج نے آ کے جناب اس وقت جو ہے وہ سارے بیٹھ گئے, نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہیں تو زرداری صاحب بھی بیٹھے ہیں, عمران خان بھی بیٹھے ہیں, تو اطہر صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو فوج نے بٹھا دیا لا کے. اس سے پہلے جب 9/11 کے بعد حالات خراب ہوئے تو مشرف صاحب نے سب کو بلا لیا. اب مجھے بتائیں سیاپے کے اندر کشمیر کے اوپر آپ, یعنی پوری قوم متحد ہے اور ایک کھڑا ہوتا, اور آپ کمال دیکھیں کہ وہاں پر آج جو ہوا, جو مناظر دیکھے ہیں, اب یقین کریں اس کی آواز اس طرف گئی ہے, جو نعرے لگے ہیں مجھے نہیں پتا کہاں تک آواز ہے, اتنا جوش تھا لوگوں میں جی. اور عمران, یہ اگر ریئل عمران خان, یہ ریئل فاروق ہے, آپ کو دیکھیں نا راجہ فاروق, یعنی کچھ معاملات پہ اتنی یکسو ہے قوم, اور درمیان میں آ کے جب سیاسی جماعتیں, اور پھر یہ ایسے نہیں تو اس کو یہ وزارت دے دو اور یہ کر دو. ابھی مجھے بتائیں پرویز کھٹا پکڑے جائیں گے تو کیا کریں گے عمران خان, جو کل جو بات کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی تاثر بن رہا ہے کہ احتساب کے ادارے, احتساب کا ادارہ کون سا ہے, نیب. تو نیب کے چیئرمین کا کیا انٹرویو تھا کہ کچھ لوگ حکومتی کہ معلوم جبا کیس تیار پڑا ہے اور نواز شریف, اچھا وہ تیار ہیں پیسہ دینے کے لیے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یعنی نواز شریف اور لیکن شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ حمزہ کو بنا دو میری جگہ, وہ بتا رہے ہیں باقی جو ان کی طرف سے شرائط تھی, حمزہ کو میری جگہ بنا دیں, کلین چیٹ دے دیں, یہ کر دیں, نہ علی نہیں معافی بزر عام نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ ملک کو لے گئے, آپ یقین کریں آج سے 10-15 سال پہلے, اور اب پہلے کیا تھا کہ جی وہ عدالتیں یہ ہوں گی اگر فرض کریں تو دوسرے, اب اتنے خوفناک انہوں نے حالات بنا دیے کہ عدالتوں پہ بھی یعنی اس کے ان کو بھی ان کے فیصلوں پہ بھی عمل درآمد نہیں کر رہے جی. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب ایک بریک کا وقت ہوا, سپریم کورٹ کو کہنا پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, سوالے سے بات کریں گے 19 ستمبر کو. میں صرف ایک بات ہوں, چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ پھٹا ہے, اگر اس وقت یہ سسٹم اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو الیکشن کمیشن ہی نہیں ہے آپ کا, اگلا الیکشن ہی نہیں ہو سکتا جی. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے بات کریں گے. 19 ستمبر کو کہا جا رہا ہے کہ دورہ زدہ دورے پر وزیر اعظم صاحب سعودی عرب بھی جائیں گے, وہاں کیا مسئلہ ہے کشمیر پر بات کریں گے, عمران خان صاحب کو معاملات کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, ناظرین بریک لیں گے, واپس آئیں گے نیو موضوعات پر ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, شہباز گل صاحب کا اصل معاملہ کیا ہے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ تبدیلی کی لہر آگے بھی چلے گی؟ یہ آگے بھی چلے گی. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو میں تو پہلے بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنا جو ان کا اوریجنل منشور تھا ان کا احتساب کا, وہ اس پہ چلے جائیں اور چھوٹی کیبنٹ بنا کے صاف ستھرے اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کریں. اچھا اب جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں تو پھر اس قسم کے معاملات آ رہے ہیں سامنے. اچھا اب شہباز گل ہمارے بھائی, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جناب یہ کیا کہ ایک انہوں نے لیٹر ان کو بھی اور اون چودھری صاحب کو بھی ٹرمینیٹ, دونوں کو کر دیا گیا تھا ٹرمینیٹ مطلب ایک اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اون چودھری جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ذاتی دوست ہیں, کافی پرانے نہیں, اور ایک منٹ, اور ان کے ہٹانے کے اثرات ہوں گے, شہباز گل صاحب کے نہیں, اون چودھری صاحب کے ہٹانے کے اثرات مرتب ہوں گے آنے والے دنوں میں, کیونکہ اون چودھری صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے یعنی قریب ترین دوستوں میں سے ایک ہیں. اب یہ کہنا کہ وہ کچھ نہیں کر رہے تھے اس لیے ہٹا دیا گیا, تو یہ بڑی ایک عجیب سی, یہ ہمارے دوست جو ہیں یہ ماشاءاللہ اسمارٹ آدمی ہیں, انہوں نے کیا کمال کیا, ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اسی طرح سے. ادھر لیٹر پڑا, میں کمال دکھاؤں نا ذرا, کمال دیکھیں آپ ذرا, ادھر لیٹر دے گئے گا شہباز گل صاحب نے, وہ جو پہلے لیٹر آیا تھا صبح والا لیٹر جو انہوں نے ان کا پہلے جاری ہوا تھا پبلک کے سامنے, اس لیٹر میں جناب کیا ہوا ہے, اگر بڑا کریں تو کمال کا کام انہوں نے کیا ہے, ہٹا ان کو بھی دیا تھا, یہ انہوں نے استعفیٰ لکھا, یہ ذرا آپ دیکھیں اس کو ذرا بڑا کریں کمال, یہ کہہ رہے تھے کہ پولیس ریفارمز کے حوالے سے تھا, اچھا اس کو ذرا اوپر دکھائیں, انہوں نے کیا کیا کہ 12 تاریخ کو 13 بنا دیا, لیٹر کے اوپر جو تاریخ ڈلی ہے نا وہ دیکھیں ذرا, وہ 12 تھی, 12 کی جگہ انہوں نے 13 کر دیا اوپر کے کونے پہ, ذرا دوبارہ کریں گے تو نظر آئے گا.
ये इन्होंने जल्दी से 12 को 13 कर दिया, ये जो नजर आ रहा है ऊपर, ठीक है, और उसके बाद जल्दी जल्दी करके इन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन लेकिन कि मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं और मैं तो अपने ओहदे से खुद जा रहा हूं, लेकिन मसला ये है कि हमारे हत्ते इनका टर्मिनेशन लेटर निकल, जरा दिखाएंगे बड़ा करके, ये दिखाइए, ये देखें जरा, ये इनका डी नोटिफिकेशन लेटर है कि डी नोटिफिकेशन ऑफ मिस्टर शहबाज गिल, ठीक है ना, यानी उनको बरतरफ किया गया है, छोटी छोटी चालाकियां। अच्छा, अब इनके ये जो हैं शहबाज गिल साहब, जाहिर है कि एक ओहदे पे रहे सारे, मगर आप देखें ना छोटी छोटी चालाकियां, कौन है उस्मान बुजदार, जो उस्मान बुजदार को घर चला जाएगी, नहीं, नहीं, बयान दिया था उन्होंने डॉक्टर साहब। देखिए इमरान खान साहब जो है ना, वो एक एक से ज्यादा ऊपर किसी को नहीं आने देते, वो ये ध्यान में रखें बात, मुझे ना पता रहा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिस उम्र के जिस हिस्से से वो वजीर आजम बनने का सोच रहे हैं, उस जमाने में भाई हमारे दोस्त हैं, मैं अब थोड़ा सा फायदा उठा लेता हूँ, उस जमाने में उन्होंने जो शेरवानी सिलवाई थी वजीर आजम बनने की, वो अब वास्केट बन चुकी है, वो इतने से थे जब शेरवानी सिली थी, वो वास्केट इतनी सी बन गई है वो, क्योंकि मसला ये कि इमरान खान साहब आगे नहीं आने देते। इमरान खान साहब को जहां शक हो ना, देखें आप कभी फिल्में देखें ना, मतलब मैं तो नहीं देखता, आप देखें, लेकिन लेकिन उन फिल्मों में क्या होता है कि जो हीरोइन होती है ना जी, पाकिस्तानी फिल्मों में और बाहर की फिल्मों में भी, यानी इंडियन फिल्मों में या पाकिस्तानी फिल्मों में, उसमें हीरोइन जो है वो इस बात को यकीनी बनाती है कि अगर कोई डांस वगैरह हो रहा हो, यानी जिसमें बहुत से एक्स्ट्राज हो, या हीरो भी यकीनी बनाता है इस बात को कि पीछे खड़े हुए जो एक्स्ट्राज हैं वो उससे ज्यादा स्मार्ट ना हो, स्पॉटलाइट पे रहना, हाँ हाँ हमारी शक्ल ज्यादा, फिर उसका हल ये निकला कि चले वो पीछे गोरे हो, अब वो ये होता है कि अब वो गानों में गोरे हो, क्योंकि हमेशा ही होता था कि लोग कहते थे यार एक मिनट ये हीरोइन कितनी अच्छी, ये हीरो कितना स्मार्ट है, तो पीछे कैसे काले कलूटे अजीब किस्म के लोग, वो इसीलिए था कि वो ज्यादा खूबसूरत लगे। अच्छा, उनके साथ जो उनकी वालदा जो है ना, बेबी बेबी को बेबी नाराज हो गई, बेबी फिल्म की शूटिंग के दौरान, सियासी जमातों में भी ऐसे ही होता है, यानी पीछे जितने हैं ना वो आगे वाला जैसा भी हो वो पीछे वाले काले कलूटे नजर आए, वो अच्छे ना नजर आए, ताकि आगे वाले की शक्ल खूबसूरत है। ये एक बड़ा बड़ी जबरदस्त पीछे कोई स्मार्ट लोगों ने कहा यार वो हीरोज को छोड़ो, वो देखो पीछे कितना स्मार्ट, वो डांस कितना अच्छा, वो पीछे वाला कितना स्मार्ट है, बारह शख्सियत है शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं आपसे बता रहा हूँ ना, सियासी जमातों का कल्चर है ये, इमरान खान साहब किसी और को आगे आने देते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को आगे आने देते हो, असद उमर को। अच्छा, उसके बाद एक अजीब कल्चर है यहाँ पे, वहां तो वो मरूसियत चल रही है जनाब, देखिए ना वहां तो आप ये देखेंगे ऐसे, ओहो मतलब ऐसा आईन कानून पाकिस्तान खप्पे, ओहो ऐसा ऐसे ऐसी बातें ऐसी करते हैं ना कि उफ मेरे खुदाया, कि आपको मतलब लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे, ओह क्या कितना दर्द है, कितना दर्द, कितनी मानो हो, मतलब मतलब ना मतलब घरों के अंदर झाड़ू पोछा करके मतलब है कि जिंदगी गुजारी आगे बढ़े, मतलब अजीब किस्म के लोग। अच्छा, जो दूसरे जो पीटीआई में है, यहां किसी को उठा के फेंक देते हैं, पूछता कोई नहीं, असद उमर को फेंक दिया उठा के, सब चुपे, आवाज कौन उठा रहे हैं, शेख रशीद, शेख रशीद कह रहे हैं कि असद उमर के का जाना गलत है, अब अंदाजा लगे पार्टी में ना जहांगीर तरीन कह रहे हैं, ना शाह महमूद कह रहे हैं, ना अलीम खान को फेंक दिया उठा के, कोई नहीं पूछ रहा। अब ये शहबाज गिल है, इनके लिए एक आदमी आवाज नहीं उठा रहा, यानी आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब से एक सवाल है और पूरी पीटीआई से, देखें उधर तो नवाज शरीफ साहब अंदर गए तो चले, कुट खाई ना लोगों ने, अभी भी लोग कुट खा रहे हैं ना, 8-10 लोग तो निकलते हैं ना, 50, 100, 200 लोग कोई कुट खाते हैं ना, मरियम नवाज के लिए सड़कों पर फेंटी लग रही है, राना सनाउल्ला के, यहां तो पता ही नहीं चलता, यहां तो हुकूमत में है कुछ, उसके बावजूद तो खाना देने नहीं पहुंचा अलीम खान को, पूछ लें कि भाई अलीम खान तुम्हारा क्या बना, वो क्यों निकाला, यानी यहां भी तो सवाल है ना, यहां भी तो सवाल है, ओन चौधरी को क्यों निकाला, मुझे ओन चौधरी नहीं पूछ रहे होंगे मुझे क्यों निकाला, इधर भी मुझे क्यों निकाला का कोई जवाब नहीं है, असद उमर को क्यों निकाला, असद उमर से पूछिए ना मुझे क्यों निकाला, बैठे हुए
ना वो उनकी साइड लेते हैं ना वो उनका पूछते हैं, किसी में हिम्मत ही नहीं है कि जाके इमरान खान साहब से कहें कि इमरान खान साहब अच्छा बंदा था, आपने क्यों कर दिया, निकाल दिया, अब सब ऐसे बैठे हैं, नहीं मुलाक साहब ऐसे, साथ फिरदौस केवान साहब ऐसे, मतलब कोई पूछ ही नहीं रहा, मतलब वो नई मुलक को फारिग कर देंगे तो फिर दौलती कौन बैठी होंगी, वो पूछेंगी कौन नई मुलक ना नई मुलक कौन नई मुलक, वो नहीं वो दौलती कौन फारिग हो जाएंगी, वो नई मुलक के अंदर हिंदी हिम्मत नहीं होगी, वो उनसे पूछे, अजीब किस्म का एक अजीब सिलसिला, क्यों जो इमरान खान ने कह दिया बस कह दिया। अच्छा और इमरान खान साहब की सारी मीटिंग्स कौन अरेंज कर रहे हैं वहां पे देखिए ना अफाल कौन से किरदार निकल के आए, वो लोग जो कि पीटीआई में नहीं थे, इमरान खान साहब की एक तो जुल्फी बुखारी अच्छा वो भी जरा 27 तारीख को इमरान खान साहब वापस आ जाएं तो उसके बाद देखते हैं कि क्या बात होती है जुल्फी बुखारी साहब की। लेकिन सबसे ज्यादा मफाल कौन है, एक तो मलिया लोधी साहिबा जाहिर है कि उनका एक, लेकिन उससे हटके जो नए जो आप कहते हैं ना यंग जी डिप्लोमेट कह दें पढ़ा लिखा बंदा कह दें, मैं तो हमेशा से जब भी ये नैब केसेस बने थे तो मुझे समझ नहीं आता अली जहांगीर सिद्दीकी साहब, अली जहांगीर सिद्दीकी इस वक्त भी सबसे ज्यादा एक्टिव और फाल हैं कि इमरान खान साहब की मीटिंग्स अरेंज हो और वही करवा रहे हैं क्रेडिट। अच्छा वो क्रेडिट भी लेके जाते, ये वो खामोशी थे कि ठीक है शाह महमूद कर रहे हैं मलिया लोधी कर रही जो भी कर रहे हैं, लेकिन एक्टिव कौन है सबसे ज्यादा अली जहांगीर सिद्दीकी खामोशी से। अब बात यह है कि एक तरफ तो ये वो लोग हैं जो खामोशी से, ना इनको कोई फायदा चाहिए, मुझे नहीं पता अली जहांगीर सिद्दीकी जो है वो कोई इमरान खान से कोई कर्जे माफ करवा रही हूँ, मेरे नॉलेज में नहीं, वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान, ऐसे लोग हैं और वो पीटीआई में भी नहीं है लेकिन वो काम कर रहे हैं जी। दूसरी तरफ ये रजाक दाऊदीन कंपनी, अच्छा जो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी भी खामोश है, ये एमकेएम अभी रौले में पड़ी, वरना एमकेएम भी खामोश थी इस पे 149 वाले उस, और अच्छा है कि ये मामले को इधर ही छोड़ दिया, लेकिन ये है कि धक्का किसने दिया ये 149 वाला इस मरले पे, अख्तर मेंगल खामोश है, आप देखें मुस्लिम लीग काफ खामोश है, नहीं इत्तेहादी कुछ नहीं कर रहे जो ना जो अच्छा ऑपोजिशन भी उधर जबरदस्त हुई है सारी ठीक है ना, अब वो जब आईन है तो आईन के तहत प्रोडक्शन ऑर्डर, अच्छा अब उसके बाद वो एसी अदालत ने लगा दिया प्रोडक्शन ऑर्डर आप करेंगे ना जारी अगर आईन के तहत नहीं, और आज भी कौमी असेंबली में हंगामा, या तो नहीं उसको खत्म कर दे तरमीम से, अच्छा फिर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पंगा किसने लिया, फिर 25-37 रेड लेटर इशू हो गए हैं लोगों को, अच्छा वो वजारतों के लोग, अच्छा कोई किसी का नहीं पूछ रहा, ऐसे ब्यूरोक्रेसी पे यही ब्यूरोक्रेट्स मुल्क चला रहे हैं भाई, अच्छे बुरे होंगे जो भी होंगे, ये ब्यूरोक्रेट क्या होता है, आप एयरपोर्ट में उतरते हैं बाहर से आके FIA के लोग बैठे होते हैं, ये ब्यूरोक्रेट है उन पर चल रहा है मुल्क सारा, ये कोई वजीर चला रहे हैं, ये कोई MNA चला रहे हैं, MP चला रहे हैं, FIA वाले खड़े हैं, पुलिस खड़ी है नाकों के ऊपर, और सबसे ज्यादा जिस पुलिस को गालियां दे रहे हैं, और होगी करप्शन पुलिस के अंदर, ये पुलिस के आप शोधा देखें जरा, ये वॉर ऑन टेरर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट हैं, मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर ये ठीक कर रहे हैं भाई, ये ठीक कर रहे हैं मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर, ये जो आपके बैंक्स के अंदर स्टेट बैंक इधर उधर आपके सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, ये सेक्रेटरी अच्छा नहीं है, अच्छा वजीर तो अच्छे हैं सेक्रेटरी अच्छे नहीं है, खुदा का वास्ते ये किसको पागल बना रहे हैं, हर वजीर आने आता है तो आते ही कहता है वो मेरी मर्जी का सेक्रेटरी लगाओ, पहले उसकी ख्वाहिश होती है मेरी मर्जी का सेक्रेटरी लगाओ, सेक्रेटरी साहब जरा बताएं क्या तरीका है भाई, बात यह है सारी कि अब वो एक अजीब और गरीब किस्म का, वही ब्यूरोक्रेट जो है वही ब्यूरोक्रेट्स वही मुल्क चला रहे हैं जी। अच्छा फिर वो IG पता नहीं कोई 37वीं दफा तब्दील होने लगा है IG, उस्मान बुजदार साहब फिर तब्दील करेंगे सारी ब्यूरोक्रेट, खुदा उनका और फिर तब्दील करेंगे, यानी पता नहीं कितनी दफा वो तब्दील, वो एक दफा खुद क्यों नहीं तब्दील हो जाते, जब देखिए ना जब होना ही है तो यार अच्छा बंदे में खुद भी होते, यानी यहां पर एक ये बड़ा मसला है बंदे को उठा के, मतलब अब उस्मान बुजदार साहब का रहना बनता है बैठे क्योंकि अब जाएंगे तो केस खुलेंगे ना करप्शन ना डिमाग ना, वो नाहेली भी तो अपनी जगह एक बहुत बड़ा कुछ नहीं किया, मैं एक साल में कुछ नहीं कर सका, मैं डिलीवर नहीं कर सका, तो कौमी खजाना खाते रहे पीते रहे गाड़ियों में घूमते रहे, वो किस खाते में किया सारा, ऐसे ही कौमी खजाने पे बोझ का भी तो हिसाब देना नहीं पड़ेगा, तो जितने दिन बैठे हैं हाँ। जितने दिन बैठे हैं वो हर रोज वो कौमी खजाने पे आप एक क्या कहना चाहिए कौमी खजाने का गलत इस्तेमाल, ये वो केस बन रहे हैं, तो इसलिए अब जा भी नहीं रहे,
اب تو الٹیمیٹلی عمران خان صاحب نے چھوٹی کرنی ہے کیبنٹ اگر انہیں سسٹم چلانا ہے اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. یہ اشارہ ہے کورٹ کا, کورٹ کا اشارہ ہے کہ احتساب کرنے والے اداروں کے بارے میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ ان کے تھرو پولیٹیکل مینیورنگ ہو رہی ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. یہی اور نیب چیئرمین کیا کہہ چکے ہیں کہ میرے اوپر حکومت اپوزیشن کی طرف سے بھی لالچ ہے, جان کی دھمکی ہے, اور حکومت کی طرف سے بھی دباؤ ہے, حکومت کی طرف سے بھی دباؤ ہے. اس حوالے سے بات کریں گے ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ, سمجھیں عمران خان صاحب اس ساری صورتحال. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, کراچی کا دورہ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے منسوخ کر دیا, کل متوقع طور پر تورخم بارڈر جا رہے ہیں. آپ نے بات کی, تورخم بارڈر کا بھی ملتوی کر دیا انہوں نے اور کراچی کا بھی ملتوی کر دیا دورہ, اور اچھا ہے کہ یہ جو ایک تنازع کھڑا ہوا ہے اور اس کی ضرورت کیا تھی. دیکھیں پنجاب کے اندر ایشو ہوا نا جی, یعنی میں اس میں سندھ حکومت کی کرپشن تو اپنی جگہ چھوڑ دینا, وہ تو جزیرہ کرپشن ہے. یہ 149 اگر آپ کہیں کہ پنجاب کے اندر مثال کے طور پر, یہ ضروری نہیں تھا آپ سمجھ رہے ہیں. نہیں بات ہی فضول, ایک بات ہی فضول ہے. ایک تو کچہرے کے اوپر اب لگا رہے ہیں اس کو جو کہ معیشت کا اور امن و امان کے ساتھ تعلق ہے, دوسرا یہ کہ پنجاب کے اندر ابھی آئے نا فوٹیج کہ پنجاب پولیس تشدد کر رہی ہے, میں آرٹیکل 149A جو ہے وہ لاہور میں لگا دوں, کچھ تو کہ اس بات کی, یا تو میں پورے پنجاب میں لگاؤں گا نا, میں خالی لاہور میں لگا دوں کہ لاہور کے اندر ہی ہو رہا ہے, لاہور کا کچرا, لاہور کے بھائی جو ایشو ہے وہ پورے صوبے کا, یا تو آپ پورے صوبے کی بات کریں. آپ نے خود بیٹھے بٹھائے اور اپنی اتحادیوں کو مصیبت میں ڈال دیا, یعنی پیر پگارا وہ جی ڈی اے کے ہیڈ کو ہیڈ کر رہے ہیں, وہ فہمیدہ مرزا صاحبہ جو ہیں ان کی وزیر ہیں, اس کے بعد وہ باقی ایاز لطیف پلیجو صاحب سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی. ایاز لطیف پلیجو صاحب کو میں نے ٹی وی پہ جتنا سنا ہے, جو ایک ہوتا ہے نا ایک پڑھا لکھا آپ کو لگتا ہے مڈل کلاس اچھا انٹیلیجنٹ, میں کبھی ان سے نہیں ملا, ان کے والد صاحب سے بڑی یعنی یاد دلا رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی, نصرت سحر عباسی ایک ہی خاتون تو بولتی رہی ہے اسمبلی میں, ان کو بھی آپ نے مصیبت میں ڈال دیا. بیٹھے بٹھائے آپ نے وہ جو بانی ایم کے والی بات ہوتی تھی سن ون سن ٹو, اب کرنے کی کیا ضرورت تھی, کس نے یہ پہلے تو پکڑے نا, یہ افلاطون ارسطو یہ فروغ نسیم صاحب ہیں, 149 کراچی میں لگائیں گے کچرے کے اوپر, پھر آپ نے دوسرا پھڈا لے لیا وہ الیکشن کمیشنر, وہ بھائی جا رہے ہیں وہ سردار رضا صاحب انتہائی محترم, اب ان کے 3 مہینے رہ گئے ریفرنس بھیج رہے ہیں ان کے خلاف, کیونکہ دو اراکین, اچھا اس کا کیا نقصان ہوگا کہ الیکشن رک جائیں گے سارے بلدیاتی, یہ بیٹھے بیٹھے ان کو مشورے کون دے رہا ہے اللہ جانے. یہ قرضہ معاف کروانے والا جو تھا رولا, قرضہ معاف کرا دے, اب نیب کی ترمیم, سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ انجینئرنگ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب کی ترمیم ہونی چاہیے نیب میں, یعنی نیب کے اندر ایسا ہے جی جو بیوروکریٹ کام نہیں کر رہے, وہ جی وہ ملک نہیں چل رہا پورا, یہ ملک کون چلا رہا ہے, بیوروکریسی چلا رہی ہے, یہ آپ کے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہی جیسا تیسا ملک چل رہا ہے وہی تو چلا رہے ہیں. آپ سارا دن گالیاں دے دے کے ہم بڑا کام کر رہے ہیں, بڑا سرخاب کا پر لگے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, جو اب کیا بات کہوں, پھر توہین ہو جائے گی جمہوریت کی, یہ کیا ہے مجھے بتائیں نا آپ, اس کو کون اٹھائے گا, اس کچرے کا ٹھیکہ کس کو دے رہے ہیں, کیا سیاپا پڑا ہوا ہے وہ بیٹھ کے وہاں پر عجیب و غریب. اچھا وہاں بھی نہیں, صوبائی حکومتوں کو دیکھیں آپ, اچھا سب سے سکون کہاں پہ ہے, بلوچستان میں, اور ایشوز بہت ہیں سب سے زیادہ پرسکون بلوچستان اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے, کمال دیکھیں آپ. بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سیدھی سیدھی بات ہے, کچھ زیادہ خالی ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ کئی لوگوں جوتے کے صرف ایک مقصد نہیں ہوتا, کئی کاموں کے لیے جوتے استعمال ہوتے ہیں, کافی لوگوں کو کافی عرصے سے جو ہے نا ان کا اوور ٹائم ہو گیا ان کو جوتے پڑنے, جوتے بہت پہلے پڑنے چاہیے تھے لیکن اب مجھے نہیں پتا جوتے پڑیں گے یا بوٹ پڑیں گے, کچھ پڑے گا ضرور, اب یہ مطلب چپل نہیں پڑے گی یہ تو طے ہے, چپل کا ٹائم گیا, اب یا تو جوتے پڑیں گے یا بوٹ پڑیں گے, ٹھیک ہے دو ہی چیزیں پڑیں گی, یا یہ خود سدھر جائیں, کیونکہ اور کوئی تیسرے رستے کی طرف ہی نہ یہ جانا ہی نہیں جا رہے, مجھے آپ بتائیں کہ یہ جانا ہی نہیں جا رہے, ٹھیک ہے, اور اس میں یعنی بیٹھے بیٹھے سندھ کے اندر اچانک اچھا ایم کیو ایم بھی پھر میرے خیال سے وہ انہوں نے بھی پیچھے اپنے آپ کو کیا کہ کیا رولا, یہ رولا تھا کہ یہ کہاں سے آیا تماخ میں,
एक रेफरेंस दायर कर दो, दूसरा दायर कर दो नैब को, ये आप इसलिए आए थे भाई? हम सोच रहे हैं जी अच्छा जी अब ब्यूरोक्रेसी चेंज करेंगे। ओ भाई ब्यूरो ये क्या है, आपका खेल कूद हो रही है। अब उस्मान बुजदार एक बार फिर पंजाब में तब्दील, यार आप क्या है भाई, आप खुद तब्दील हो जाए। नहीं, उस्मान बुजदार आठवीं दफा पंजाब पुलिस तब्दील करेंगे, इधर से उठा के इधर, इधर से उठा के इधर, इधर से उठा। अजीब से चला, इसलाहत नहीं करनी, इसलाहत नहीं करनी, मतलब काम नहीं करना, कानून साजी नहीं करनी, ऐसे ही बाकी प्रोटोकॉल चीजें। तो ये मुल्क चलाएं खुदा का वास्ता। कश्मीर के ऊपर देखे ना हालत जंग में प्रॉपर, ये वो जो ये सबसे खौफनाक हालात हैं। यानी ये कोई 1965 या 1999 दो सरहदें जी खोल के आपका बंदा, आपके दुश्मन कह रहे हैं कि हम मुल्क के अंदर अंदर दहशतगर्दी करवाएंगे। डॉक्टर साहब इसी पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अलैहदगी पसंद तहरीकों को, और वो फंडिंग होती रही है माजी में, अभी भी हो रही है। जी आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक इंतहाई अहम बात की, कहते हैं कि मुझे अक़वामे मुत्तहिदा जाने थे, उसके बाद बताऊंगा कि एलओसी पर जाना है या नहीं। क्या जंग की बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब? इमरान खान साहब ने वो बात की है जो बात पहले राजा फारूक हैदर साहब ने की, पूरे जलसे में बात थी, और ये पूरे के पूरे पाके देखिए कुछ इश्यूज हैं जिन पे बात, जिसके ऊपर कोई दो राय नहीं है जी, और वो है उनमें से एक कश्मीर है। कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर जो मैं कह रहा हूं ना कि कश्मीर के मामले पे कश्मीरियों से आगे बाकी पाकिस्तान होगा और फौज से आगे सिविलियंस होंगे। ये जो बात हो रही थी ना, ये पूरा मजमा वहां पे कह रहा है कि हमें एलओसी क्रॉस करने, तो हम जाके वहां पर अपने जो मजलूम, वो 40 दिन हो गए उससे कर्फ्यू नहीं उठ रहा, और मुझे इसलिए मुझे डर है इस बात का अभी भी कि वो जाने से पहले कोई ऐसा वाकया ना करवाए कि दुनिया की तवज्जो, क्योंकि जरील क्वार हो गया मोदी भी और वो उसके साथ अजीत देवल, जरील मादरा के साथ मैं गैर पार्लियामानी अल्फाज माल कर रहा हूं मगर कुत्तों वाला हाल हुआ है, और वो 40 दिन उस बंदे को गुजर गए हैं, कर्फ्यू नहीं उठा पा रहा, और इस बूथे के साथ जाएगा वो, और वहां पता नहीं दुनिया तैयार पड़ी है, तैयार हो रही है वहां मुजाहरा करने के लिए, मुजाहरे करने के लिए 24 तारीख को जी, ठीक है। अच्छा अब मामला यह है कि अब मुझे अभी भी शक है कि वो वहां जाने से पहले कोई ऐसा वाकया करवा दे, लेकिन दुनिया अब वो दुनिया नहीं है क्या, फौज फ्लैग करवा के आखिरी दिनों में कोई हंगामा करवा के तवज्जो करवा, ना 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 ना, ना। अब ऐसे पकड़ लेंगे लोग गर्दन से उसको इंडिया में ही। अच्छा बच्चों 40 दिन बाद तुम्हें याद आए तवज्जो, वो भी टाइम निकल गया। अफगानिस्तान के हालात आप देखें, अशरफ गनी गालिबन वहां जा रहे हैं, लेकिन 28 का इलेक्शन जी, ठीक है, वो तालिबान क्या करते हैं क्या नहीं करते वो जी बाम। अब इस पूरी सूरत हाल में मुल्क को आराम से चलने दें, सुकून से, इमरान खान साहब अपने ये मतलब रहम करें लोगों के ऊपर, फिर वो दोबारा आते हैं, फिर वो ये होगा। अच्छा फिर आईएमएफ का डेलीगेशन आ गया, आपको पता आईएमएफ वाले क्या कह रहे हैं, आईएमएफ का डेलीगेशन आ गया कि आपने टैक्स तो लिए नहीं है, सही आ गया, क्या मुसीबत, अब क्या खून दे दें अपना, नहीं नहीं वो देखें मैं आपसे बात ही कह रहा हूं कि आपका फड्डा उन लोगों से पड़ा हुआ है जो डॉलर छापते हैं, और आप उनसे डॉलर, वो फिर आ गए जी अच्छा जी वो जी ऐसा है कि अभी तो आपने टैक्स की रिकवरी सही नहीं की, तो आप जरा कीमतें टैक्स और लगाएं, अभी ये उनकी कंडीशन आ गई है, नहीं मजीद महंगाई होने जा रही है। असद उमर साहब भी ये कह रहे हैं नहीं, तो फिर वो उनको यकीन मजीद महंगाई हो, देखें ना इतनी गैर यकीनी की सूरत में, कभी शब्बर जैदी साहब एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, वो पहला वापस ले लिया, देखे ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया 2017 से फीसें वापस करें जी स्कूलों की फीसें। 2017 में तो मैं भी शायद स्कूल में ही था, मुझे स्कूलों की फीसें 2000 नहीं, मतलब बात देखें इसको, ये अजीब एक सिलसिला बन गया है सारा, और इतनी गैर यकीनी की कैफियत है। अब ये 149 वापस हो गया, ये नहीं लगते लगते वापस हो गया, और एक हिजान बपा रहा, उससे पहले वो पंजाब पुलिस, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है डॉक्टर साहब। पीपल्स पार्टी ने तो मुतालबा करना ही है ना, अपोजिशन ने तो मुतालबा करना ही है, मसला ये है कि वो वापस आएंगे नहीं, इनसे चल नहीं रहा, आ नहीं सकते डॉक्टर साहब, देखिए ना बात ये है कि वो वापस आ नहीं सकते, उन पे करप्शन चार्जेस हैं, इनसे चल नहीं रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे मुल्क चलेगा, किसी को तो चलाना है। अब मसला ये है कि ये जो है वो अच्छा खासा चलते चलते इसमें, अच्छा ओन चौधरी से क्या गलती हुई मुझे ये नहीं पता, ओन चौधरी जो है डॉक्टर साहब वजीर आजम साहब के बहुत करीबी साथी रहे, नई मुलक साहब जरा तैयार है। अच्छा किसी ने कोई किसी के लिए कोई बात भी नहीं करता, वही होता था कि
مطلب ہر پارٹی میں ہوتا ہے نا, جیسے کہ بلاول پہنچ گئے زرداری صاحب کے پاس تو اس نے اس کی تعریف کر دی, تو شہباز شریف نے کہا نہیں آپ یہ کر دیں. ادھر کوئی بندہ کسی کا پوچھتا ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں, آپ ذرا تصور کریں عمران خان صاحب کے آس پاس جو لوگ ہیں. دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں, اچھی لگے بری لگے, نواز جمعہ نے بات پہلے کی, پراپر کٹ پڑی ہے نواز شریف صاحب کو اور مریم, پراپر کٹ, پراپر پھینٹی ہوتی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی, پراپر کٹ, کیسے سارے لوگ نکلے تو ہیں نا, جا تو رہے ہیں نا. مجھے بتائیں کہ یہاں تو کوئی کسی کو, اللہ نہ کرے کل کو عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو, کوئی ہفتے دس دن کے لیے جیل چلے جائیں عمران خان صاحب, فرض کر سیاست میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, تو مجھے بتائیں کیا ان کو خسرو بختیار جائیں گے, ان کے لیے جلوس نکالیں گے یا ان کے لیے رزاق داؤد ہزار سو گالیاں دے دیں؟ گالیاں دینے سے تو معاملات ٹھیک نہیں ہوتے نا, ہزار گالیاں دے دیں, گالیاں تو ہم بھی دیتے ہیں کرپٹ جتنی کرپشن, لیکن پارٹی تو اپنی جگہ رہی نا. آپ یہاں پر دیکھیں صورتحال کہ یہاں پر تو وہ کسی کو پوچھتے ہی نہیں, کوئی علیم یعنی کسی میں ہمت ہی نہیں ہے کہ کوئی پوچھے کہ یہ شہباز گل کو کیوں نکالا آپ نے, شہباز گل کہیں گھوم رہے ہوں گے سڑک پہ ادھر ادھر, مطلب کوئی کسی کو کہتے ہیں کہ یار میں اس کا چپ چپ کر کے بیٹھے بات نہیں کرنا, شہد کی دلدلیں آس پاس بیٹھی ہیں, عمران خان آرام سے بیٹھے ہیں اور اللہ اللہ خیر صلاح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ریاستی جو میں نے اس دن بات کہا نا سسٹم اپنی سپورٹ ہٹا رہا ہے, جو میں نے اس دن بات کی تھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی, لیکن اب آپ عدالتی فیصلے اور میڈیا کے اوپر سے کنٹرول اور باقی چیزیں, ریاست اپنا جو سپورٹ میکینزم ہے وہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے, اور معاشی دہشت گردی اور احتساب یہ عدالت کی طرف سے اشارے آ گئے نا ہر چیز سسٹم پہ. کیسے کرتے ہیں عمران خان صاحب خود کریں, ورنہ پھر یہ ہوگا کہ مزید تبدیلیاں تو جو پنجاب سے لہر چل پڑی. عثمان بزدار صاحب عمرہ کرنے نکل گئے مسقط. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائل علی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی راؤ صاحب. اپنا دوستوں رشتے داروں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.